आज के इस वीडियो में पर बात करेंगे सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट के बारे में, जिसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं। समझेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक या फिर ये सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट क्या है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं और सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट यानी स्ट्रोक को कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है। गाइस यहाँ पर जो सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं। गाइस यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक के कंडीशन में होता क्या है कि जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है वो अफेक्ट हो जाती है, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ब्रेन का जो फंक्शन है वो सडन लॉस हो जाता है, सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन देखने को मिलता है। गाइस यहाँ पर जब भी ब्रेन को ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है तो उसके कारण यहाँ पर जो ब्रेन की सेल्स और टिश्यूज होती हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है, जब ब्रेन की सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है जिसके कारण यहाँ पर ब्रेन के सेल्स और जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ होने लगती है, जो ब्रेन के सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो किल होने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। तो यहाँ पर जब ब्रेन की डेथ होने लगती है जिसके कारण बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो लॉस होने लगते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक या फिर सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। इसको कई बार हम लोग ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कॉजेज़ की, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट को कॉज करते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो ब्रेन स्ट्रोक को कॉज करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉज है वो है ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक ये एक टाइप का मिनी स्ट्रोक होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यहाँ पर जो ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक होता है इसमें जो हमारा ब्रेन होता है ये क्विकली ऑक्सीजन सप्लाई को रीस्टोर कर लेता है और जो भी सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है सेरिब्रल थ्रम्बोसिस। सेरिब्रल थ्रम्बोसिस में क्या होता है कि जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो जाता है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है सेरिब्रल इम्बोलिज्म। सेरिब्रल इम्बोलिज्म में क्या होता है कि सेरिब्रम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स में कोई ब्लड क्लॉट आ गया या फिर कोई एयर का बबल्स आ गया जिसके कारण यहाँ पर ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण भी यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है सेरिब्रल हिमोरेज। सेरिब्रल हिमोरेज में क्या होता है कि जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किसी कारण अगर रप्चर हो जाती हैं तो ब्लड वेसल के रप्चर होने के कारण ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है जिसके कारण वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो उसके कारण भी यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेन स्ट्रोक को कॉज करते हैं या फिर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट को कॉज कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वाल वीक हो जाती है जिसके कारण यहाँ पर ब्लड वेसल के रैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसके कारण भी यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है डायबिटीज़ मलाइटस। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, ठीक है, अगर ब्लड थिक हो जाता है जिसके कारण यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो यहाँ पर डायबिटीज़ मलाइटस के कंडीशन में भी ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है जो रिस्क फैक्टर है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन में भी यहाँ पर जो हार्ट होता है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ पर ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भी यहाँ पर सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट या फिर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। अगर फैमिली में किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो जो है फैमिली मेंबर में भी किसी को ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिगरेट स्मोकिंग करता है, एल्कोहल ड्रिंक करता है, कोकेन का यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक या फिर सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कंडीशन में भी पेशेंट में ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर पर्सन को कोई किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस पे चल रहा है पेशेंट, तो उसके कारण भी यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक या फिर सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि ब्रेन स्ट्रोक या फिर सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। गाइस यहाँ पर अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये सिम्टम्स हैं, डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, ब्रेन के किस पार्ट में ब्लड सप्लाई अफेक्ट हुआ है, उसके बेस पर यहाँ पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन साइन और सिम्टम्स हैं, जैसे कि फेस, आर्म और लेग्स में वीकनेस और नंबनेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पेशेंट में फेस, आर्म और लेग में पैरालिसिस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पेशेंट में सीवियर हेडक देखने को मिलेगा, और गाइज यहाँ पर पेशेंट में लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलेगी, पेशेंट डिसोरिएंटेशन हो सकता है, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो सकता है, इसके साथ साथ पेशेंट को स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी होगी, स्पीकिंग डिफ़िकल्टी होगी, पेशेंट को कन्फ्यूज़न रहेगा, और यहाँ पर पेशेंट में लॉस ऑफ विजन देखने को मिलेगा वन और बोथ आइज़ में, और यहाँ पर पेशेंट में लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पेशेंट को कन्फ्यूज़न रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर पेशेंट में लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल देखने को मिलेगा, पेशेंट में इमोशनल चेंजेस देखने को मिलेगा। सो गाइस ये कुछ सिम्टम्स हैं, इतने सारे सिम्टम्स हैं जो आपको ब्रेन स्ट्रोक के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं जिससे यहाँ पर हम सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट या फिर ब्रेन स्ट्रोक के कंडीशन का पता लगा सकते हैं। गाइस सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें हम पेशेंट का मूवमेंट चेक करते हैं, और यहाँ पर पेशेंट का सेंसेशन चेक करते हैं, पेशेंट का विजन चेक करते हैं, और यहाँ पर पेशेंट की स्पीकिंग चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पेशेंट का असेस करते हैं, और पेशेंट का यहाँ पर ब्लड प्रेशर को भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में ये पता लगता है कि अगर ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग हुई है, कोई हिमोरेज हुआ है, या फिर ब्रेन के अंदर कोई मास है, तो उसको पता लगाने के लिए यहाँ पर सीटी स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का सेरिब्रल एंजियोग्राफी भी किया जाता है। सेरिब्रल एंजियोग्राफी में क्या होता है कि जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती है उनके एबनॉर्मलिटी को चेक किया जाता है। अगर सेरिब्रल में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो सेरिब्रम में जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें अगर कोई एनरिज्म है, या फिर कोई ब्लॉकेज है, या फिर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेरिब्रल एंजियोग्राफी में पता लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में कैरोटी डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कैरोटी डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि जो कैरोटिड आर्टरी होती है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है,
उस कैरोटिड आर्टरी में अगर कोई नैरोइंग है या फिर कोई ब्लॉकेज है, कोई स्टेनोसिस है, तो उस कंडीशन को पता लगाने के लिए यहाँ पर कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का ईसीजी किया जाता है। ईसीजी में हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हार्ट के फंक्शन को चेक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को मैं कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है, और यहाँ पर ब्लड टेस्ट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को चेक किया जाता है, और पेशेंट में ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में कुछ कार्डियक एंजाइम्स को भी चेक किया जाता है। लास्ट में अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की, मैनेजमेंट की, कि ब्रेन स्ट्रोक के कंडीशन में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। गाइस यहाँ पर जो ब्रेन स्ट्रोक है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो पेशेंट की जान जा सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर इसके साथ साथ जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मेडिकेशन की बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक के कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर थ्रम्बोलाइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। जो थ्रम्बोलाइटिक मेडिकेशन होती हैं ये ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं, ब्रेक डाउन जो ब्लड क्लॉट होता है उसको डिसॉल्व कर देती हैं, जिससे जो ब्लड सप्लाई है वो रीस्टोर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को जो है एंटीकोगुलेंट ड्रग दिए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स होते हैं ये ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर एस्प्रिन दिया जाता है। जो एस्प्रिन होता है ये एंटी प्लेटलेट्स होता है जो ब्लड को थिन करने में हेल्प करता है। इन मेडिकेशंस के साथ साथ यहाँ पर पेशेंट के कुछ अदर प्रॉब्लम्स को भी मैनेज किया जाता है, जैसे कि पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, और यहाँ पर अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, पेशेंट जो है डायबिटिक है, तो उसके यहाँ पर ग्लूकोज के लेवल को भी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को सीवियर हेडेक देखने को मिलता है तो उसके हेडेक को रिड्यूस करना है, और यहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंट दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन एडमिनिस्टर किया जाता है। लास्ट में गाइस यहाँ पर मेडिकेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। पेशेंट में कई बार सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर कई बार जो है जो ब्लड क्लॉट होता है वो सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। कई बार यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो रैप्चर हो जाती है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में सर्जरी के थ्रू यहाँ पर ब्लड वेसल को रिपेयर किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर पेशेंट में कई बार सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। सो ये था मैनेजमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।